हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक इफ इन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे BPCL SBI ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड के बारे में कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स हैं, इसमें हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस क्या हैं। तो अब आइए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ कि ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है और फ्यूल से रिलेटेड ये क्रेडिट कार्ड है। जो लोग एक ऐसा क्रेडिट कार्ड चाहते हैं जिससे कि फ्यूल परचेस करें उस पर बेनिफिट्स हों, तो ऐसे में ये क्रेडिट कार्ड सही रहेगा और इसीलिए ये क्रेडिट कार्ड बनाया भी गया है कि जिससे आप फ्यूल परचेस करें और उस पर आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप जो BPCL पेट्रोल पंप से फ्यूल परचेस करते हैं तो 7.25% वैल्यू बैक मिलता है, एक तरह से कैशबैक मिलता है, क्योंकि आपको 25x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं हर 100 रुपये खर्च होने पर, अगर वो जो है 100 रुपये खर्च हो BPCL के पेट्रोल पंप्स पे। तो मतलब जो कैलकुलेशन होता है रिवॉर्ड पॉइंट्स का, वो जो है हर 100 रुपये के खर्च पे कैलकुलेशन होता है और 4000 तक के फ्यूल ट्रांजेक्शन पे आपको ये रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। अगर 4000 से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन है तो उस पर नहीं मिलेगा और पर स्टेटमेंट साइकिल में आपको 2500 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही सिर्फ मिलेंगे, इससे ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो ये आपको 7.25% वैल्यू बैक कैसे मिलता है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो 6.25% वैल्यू बैक तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट से मिल जाता है और 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर पूरा कैलकुलेट किया जाए तो 7.25% यानी कि 7.5% आपको वैल्यू बैक मिल जाता है अगर आप इस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं BPCL के पेट्रोल पंप्स पे फ्यूल परचेस करने के लिए। तो और ये जो आपको वैल्यू बैक मिलता है ये आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स के तौर पर मिलता है हर 100 रुपये पे। यहाँ पे 25 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं अगर हर 100 रुपये खर्च हो BPCL के पेट्रोल पंप्स पे। तो और वेलकम गिफ्ट में आपको जब आप इस कार्ड की फर्स्ट ईयर एनुअल फ़ी का पेमेंट करते हैं तो आपको 6000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जिनकी वैल्यू 1500 रुपये के बराबर होती है। तो जब आप पेमेंट कर लेंगे इस कार्ड की फर्स्ट ईयर एनुअल फ़ी का तो आपको 30 दिनों के अंदर अंदर जो बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं 6000 वो क्रेडिट कर दिए जाते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपको इस कार्ड से 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है जो कि 4000 रुपये तक के फ्यूल ट्रांजेक्शन पर मिलता है, मतलब मैक्सिमम 4000 रुपये तक के ट्रांजेक्शन पर ही मिलेगा, इससे ज़्यादा अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस पर नहीं मिलता है। और ये आपको पर स्टेटमेंट साइकिल में यानी कि पर मंथ आपको सिर्फ जो है 100 रुपये तक का ही फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा और आप साल भर में इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1200 रुपये हो जाते हैं, तो बस आपको इतना ही मिलता है। और ये जो आपको 25 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं हर 100 रुपये खर्च होने पे, ये आपको BPCL के पेट्रोल पंप्स पे मिलते हैं, BPCL के लुब्रिकेंट्स स्टेशन पे मिलते हैं, इसके अलावा भारत गैस जो वेबसाइट और ऐप है उस पर अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करते हैं तब भी आपको मिलते हैं हर 100 रुपये खर्च होने पर 25 रिवॉर्ड पॉइंट्स। इसके अलावा डाइनिंग, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ग्रोसरी और मूवीज़ के लिए जो आप इस क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करेंगे तो हर 100 रुपये पे आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन इसमें भी कैपिंग है कि महीने में आपको 7500 रुपये तक ही रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, इससे ज़्यादा के रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, फिर भी ये बहुत ज़्यादा होते हैं। और वॉलेट रिलोड को छोड़ करके बाकी दूसरी कैटेगरी पर अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करते हैं तो हर 100 रुपये खर्च होने पर आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। और हाँ, आप जो भारत गैस की वेबसाइट या फिर ऐप पर ट्रांजेक्शन करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से तो आपको हर 100 रुपये खर्च होने पे 25 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, उन पे कैपिंग लगाई गई है कि आपको महीने में सिर्फ 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही मिलेंगे और 4 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होती है 1 रुपये के बराबर, यानी कि 1 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 25 पैसे के बराबर है। साल भर में आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक वीज़ा एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिलता है, यानी कि वीज़ा के लॉन्च में आपको एक्सेस मिलता है, साल भर में आपको ये 4 बार मिलता है और पर क्वार्टर यानी कि तिमाही में 1 बार। अगर आप साल भर में इस क्रेडिट कार्ड से 3 लाख रुपये या फिर 3 लाख रुपये ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो फिर आपको मिलते हैं ई गिफ्ट वाउचर्स। तो आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा ई गिफ्ट वाउचर चाहिए है, तो आपको मैं बता दूं कौन कौन सा आपको ई गिफ्ट वाउचर मिलता है, किस किस कंपनी का। तो जैसे कि आदित्य बिरला फैशन या फिर यात्रा या फिर बाटा हुश पपीज़, तो आप जो इनमें से चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस कंपनी का किस ब्रांड का ई गिफ्ट वाउचर चाहिए है। और आपने जैसे ही अपने कार्ड से 3 लाख रुपये या फिर 3 लाख रुपये ज़्यादा साल भर में खर्च कर दिए तो 20 दिनों के अंदर अंदर यानी कि जैसे ही आप एलिजिबल हो जाते हैं तो आपको 20 दिनों के अंदर अंदर एक SMS आता है कि आप चूज़ करिए कि आपको किस ब्रांड का ई गिफ्ट वाउचर चाहिए है। तो आप चूज़ करेंगे तो उसके बाद जो है 5 दिनों के अंदर अंदर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आपका जो ई गिफ्ट वाउचर है उसका कोड भेज दिया जाएगा।
तो आप उसको जो है रिडीम कर सकते हैं। आदित्य बिरला फैशन का जो वाउचर है वो इन सारे ब्रांड्स पे रिडीम किया जा सकता है। और आपको इस क्रेडिट कार्ड के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री फ्रॉड लाइबिलिटी कवर मिलता है 1,00,000 रुपये का। और अगर आपने इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 2,00,000 रुपये या फिर 2,00,000 रुपये ज़्यादा खर्च कर दिए हैं तो जो इसकी एनुअल फ़ी होती है वो माफ़ कर दी जाती है। और जो रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं आप चाहे तो उनको BPCL के पेट्रोल पंप्स पे इंस्टेंटली रिडीम कर सकते हैं, रिडीम करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे आपको अलग अलग कैटेगरीज मिलती है, अलग अलग ब्रांड्स मिलते हैं, तो चाहे तो आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। और अब आइए जान लेते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए है और सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होना ज़रूरी है और इंडियन रेसिडेंट होना भी ज़रूरी है। अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है तो आप SBI कार्ड यानी कि SBI के क्रेडिट कार्ड की वेबसाइट पर विजिट करके वहाँ से आप जो है ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे आपको कई सारे क्रेडिट कार्ड्स देखने को मिलेंगे, ऑल कार्ड्स में आप चेक कर सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड को। तो जहाँ पे भी ये वाला क्रेडिट कार्ड आपको नज़र आ जाए वहाँ पे आपको अप्लाई का भी ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करके अपने सारी डिटेल्स वगैरह फिल करनी होंगी। जैसे आप नॉर्मली SBI या कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं वैसे चाहे तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फ़ी जो कि फर्स्ट ईयर फ़ी होती है, जब कार्ड हमें मिलता है तभी हमसे ये फ़ी ली जाती है, तो ये फ़ी 1,499 रुपये प्लस GST है। जितने फीस और चार्जेस हैं सब पे GST लिया जाता है, ये आपको याद रखना होगा। इसके अलावा जो इसकी रिन्यूअल फ़ी यानी कि जो सेकेंड ईयर से फ़ी हमसे ली जाती है उसके बाद हर साल फ़ी ली जाती है वो भी 1,499 रुपये प्लस GST है। इंटरेस्ट चार्ज जिसको हम फाइनेंस चार्ज भी कहते हैं तो ये 3.50% पर मंथ है यानी कि माहाना 3.5% है, और पर एनम यानी कि सालाना 42% सालाना है। तो ये जो इंटरेस्ट चार्ज होता है ये तब हमसे लिया जाता है जब हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर यानी कि ड्यू डेट से पहले पहले लास्ट डेट से पहले पहले नहीं करते हैं, या फिर अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल लेते हैं तब हमसे ये इंटरेस्ट चार्ज या फिर फाइनेंस चार्ज लिया जाता है। कैश एडवांस फीस, अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल लेते हैं तो ऐसे में हमें कैश एडवांस फीस भी देनी होती है। इंटरेस्ट चार्ज तो होता ही होता है, उस पर कैश एडवांस फीस जिसको हम कैश विड्रॉल चार्ज भी कहते हैं तो ये भी देना होता है। ये 2.5% है यानी कि 2.5% है, जिसमें कि कम से कम हमें जो है 500 रुपये फ़ी देनी होती है। अब मान लीजिए कि अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड से बहुत कम पैसे निकालें 500 या फिर 1,000 रुपये निकालें और उस पर 2.5% कैलकुलेट किया गया तो वो तो 500 रुपये से कम हो रहा है, तो ऐसे में हमें कम से कम 500 रुपये की फ़ी फिर देनी होगी। और अगर जो है 2.5% यानी 2.5% कैलकुलेट किया गया, हमने इतना पैसा निकाला कि उस पर 2.5% कैलकुलेट किया गया और वो 500 रुपये से ज़्यादा है तो फिर हमें 2.5% यानी 2.5% फ़ी देनी होगी। तो इस तरह से चार्ज लिया जाता है। कैश पेमेंट फ़ी, अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट के लिए कैश मोड से पेमेंट करते हैं, मतलब ब्रांच कैश ले जा करके अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करें, तो ऐसे में हमसे 250 रुपये उसके लिए फ़ी ली जाएगी। तो बेहतर है कि हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट खुद ही ऑनलाइन कर लें, जिसके लिए हमें कोई भी फ़ी नहीं देनी होती है। पेमेंट डिसऑनर फ़ी, मतलब अगर हमारा पेमेंट फेल होता है क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट के लिए, हमने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा रखा है या फिर चेक वगैरह डिपॉजिट कर रखा है और पेमेंट फेल हो जाता है हमारा, मान लीजिए हमारे अकाउंट में उतना पैसा ही नहीं है कि पेमेंट हो सके हमारे क्रेडिट कार्ड का, तो ऐसे में 2% हमसे उसके लिए फ़ी ली जाएगी। 2% पेमेंट अमाउंट के हमसे जो है फ़ी ली जाएगी, जिसमें कम से कम 500 रुपये की फ़ी होगी। चेक पेमेंट फ़ी, अगर हम चेक से पेमेंट करें अपने क्रेडिट कार्ड का तो उसके लिए भी 100 रुपये की फ़ी है। लेट पेमेंट चार्जेस या फिर लेट पेमेंट फ़ीस 400 रुपये से लेकर के 1,300 रुपये तक हो सकती है। डिपेंड करता है कि हमारा जो टोटल पेमेंट ड्यू है या फिर टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जिसका हमने पेमेंट किया नहीं है, लेट हो गया पेमेंट, वो कितना है उस पर डिपेंड करता है। अगर वो 500 रुपये तक है तो फिर उस पर हमें कोई भी चार्ज या फिर कोई भी फ़ी नहीं देनी होगी लेट पेमेंट के लिए। और अगर वो 500 रुपये से ज़्यादा है तो ऐसे में हमें फिर जो है लेट पेमेंट फ़ीस या फिर लेट पेमेंट चार्ज देना होगा, तो वो 400 रुपये से लेकर के 1,300 रुपये तक जा सकता है। आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए कि कितने टोटल पेमेंट ड्यू पर या फिर कितने आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे हमें जो है कितना लेट पेमेंट चार्ज या फिर लेट पेमेंट फ़ी देनी होगी। ओवर लिमिट चार्ज 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट, अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड से लिमिट से ज़्यादा स्पेंड करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, तो ऐसे में हमें ओवर लिमिट चार्ज देना होता है जो कि 2.5% होता है। जितना भी हमने ओवर लिमिट में स्पेंड किया उसी का 2.5% होता है, जिसमें कि कम से कम हमें 600 रुपये की फ़ीस देनी होती है या फिर 600 रुपये का चार्ज देना होता है। कार्ड रिप्लेसमेंट, अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड को रिप्लेस कराते तो उसके लिए 100 रुपये की फ़ी है या फिर 100 रुपये का चार्ज है।
फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन फ़ी, अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड से किसी फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन करते हैं तो ऐसे में 3.50% हमसे जो फ़ी ली जाती है, फिर चार्ज लिया जाता है, जितना भी हमारा ट्रांजेक्शन अमाउंट होता है उसी के 3.5%। और जितने फीस और चार्जेस होते हैं सब पे जीएसटी अलग से इंक्लूड किया जाता है, जो कि अभी के टाइम में 18% है। तो ये थे इस क्रेडिट कार्ड के सभी ज़रूरी फीस और चार्जेस। और अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की और समझते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड कैसा है। तो इस क्रेडिट कार्ड की जो फ़ीस है, मतलब जो फर्स्ट ईयर फ़ी है या फिर आप उसको ज्वाइनिंग फ़ी कहिए, और उसके बाद रिन्यूअल फ़ी जिसको हम जो है सेकेंड ईयर फ़ी कहते हैं या फिर उसको एनुअल फ़ी भी कहते हैं नॉर्मली, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। मतलब 1500 रुपये है प्लस जीएसटी, ये काफ़ी ज़्यादा है। और उस लिहाज से हमें इस क्रेडिट कार्ड में ज़्यादा फीचर्स और बेनिफिट्स मिलते नहीं हैं। रिवॉर्ड पॉइंट्स ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन रिवॉर्ड पॉइंट्स पे भी लिमिटेशन है, उस पे भी कैपिंग है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये क्रेडिट कार्ड उतना अच्छा नहीं है। अब आपका क्या नज़रिया है इस क्रेडिट कार्ड को लेकर के, आप क्या सोचते हैं कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब न हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय।